नमस्कार। गांधी नेहरू परिवार के गढ़ रायबरेली से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जब से रायबरेली में लोकसभा के चुनाव हुए तब से लेकर राज्य तक गांधी परिवार का ही यहां पर दबदबा रहा है। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी हो, खुद इंदिरा गांधी हो, अरुण नेहरू हो, सोनिया गांधी जो लगातार 2004 से चुनाव यहां पर जीतती रही हैं, और 2019 में जब सूबे की पूरी 80 लोकसभा सीटों में से हर तरफ कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर दी गई, तो एकमात्र रायबरेली की जनता ने ही कांग्रेस पर भरोसा किया और सोनिया गांधी चुनकर दोबारा से फिर से चौथी बार लोकसभा पहुंची। रायबरेली कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार का गढ़, कांग्रेस का अभेद्य किला। 1952 से लेकर 2019 तक कांग्रेस सिर्फ यहां तीन बार ही लोकसभा का चुनाव हारी है। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की सुनामी में भी रायबरेली का दुर्ग बीजेपी के लिए अजेय ही रहा। बीजेपी का रायबरेली जीतने का सपना सपना ही रह गया। विधानसभा में क्या होगा? कुल 6 सीटों में से 2017 में यहां पर कांग्रेस एसपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें आई थी, जिसमें कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर अपना कमल खिलाया था, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा और बड़ा होने जा रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनके चुने हुए दोनों ही विधायक बीजेपी के खेमे में खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें या फिर कितनी राहें आसान, क्या क्या मुद्दे हैं रायबरेली की जनता के, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज रायबरेली से इसी बात की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। बाईस के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली की राजनीतिक फिजा बदली बदली सी है। कांग्रेस परिवार के पुराने वफादार अखिलेश सिंह की बेटी और सदर विधायक अदिति सिंह ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। रायबरेली सदर सीट जहां से अखिलेश सिंह 5 बार विधायक चुने गए, लेकिन साल 2017 में उन्होंने इसी सीट से अपनी बेटी अदिति सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस के टिकट पर वो जीती भी, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद कांग्रेस से अदिति की राहें अलग हो गई। बार बार ये कयास लग रहे थे कि अदिति सिंह क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर बीजेपी में जाएंगी, और आखिरकार अदिति ने फैसला कर लिया है। अदिति सिंह जैसी कद्दावर कांग्रेसी का विकेट झटक कर बीजेपी ने रायबरेली में कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी कहती है जो कायर है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान कायरों का देश क्या वो कहने की कोशिश कर रही है? बाकी कौन है कांग्रेस में आप मुझे ये बताइए, और ये बस और बस क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता। क्या सोनिया गांधी के खिलाफ प्रचार के लिए तैयार है? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रायबरेली से कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं। अदिति सिंह कांग्रेस की मजबूत कड़ी थी, लेकिन अब तो वो बीजेपी की हो गई। तो इलाके का विकास कौन कर रहा है? दोनों सरकारें कर रही हैं हमारे यहाँ, योगी सरकार और केंद्र की सरकार से जो भी योजनाएं यहाँ पर संचालित की गई हैं उनको योगी सरकार यहाँ पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए तत्पर है। यहाँ से सांसद हैं वो, तो कभी मैम आती नहीं है यहाँ। अच्छा। जी, तो जब वो हमारे कौन है उनके लिए बेहतर अदिति सिंह जी है। कांग्रेस के लिए रायबरेली का किला बचाना बड़ी चुनौती है। सोनिया गांधी सेहत की वजह से रायबरेली ज्यादा नहीं आ पाती हैं। उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर कमान संभाल रखी है। हर जगह प्रियंका गांधी, आप देख रहे हैं कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं, बड़ी सी होर्डिंग ये लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा 10 लाख तक इलाज सरकारी। रायबरेली के जितने हिस्सों में आप जाएंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी की फोटो बिल्कुल कोने में आपको नजर आएगी। हर जगह प्रियंका गांधी वाड्रा ही अपने तमाम स्लोगन के साथ रायबरेली की जनता को लुभाने की कर रही है कोशिश, लेकिन इसमें कितनी मिलेगी कामयाबी ये देखना होगा महत्वपूर्ण। रायबरेली में कांग्रेसियों के लिए जैसी सोनिया वैसी प्रियंका। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का दावा है कि विधानसभा चुनाव में रायबरेली में कांग्रेस सबका पत्ता साफ कर देगी। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? रायबरेली में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, पहले की तरह है, अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है।
हम लोकसभा जीते यहाँ और आगे जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ईश्वर चाहेगा तो हम पांचों सीटों में अपनी विजय हासिल करेंगे। मैं रायबरेली की स्थिति जानता हूँ, यहाँ पर कांग्रेस रही है और कांग्रेस रहेगी। रायबरेली के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी भेदभाव कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में ना रहने के बाद दो चार चीजें मैं ऐसी बता देता हूँ आपको जो नुकसान हुआ रायबरेली का। रेल कोच फैक्ट्री का एक वेंडर इंडस्ट्रियल एरिया आना था, जो सोनिया जी के न जाने के बाद फतेहपुर शिफ्ट कर दिया गया राजनीतिक कारणों से। इसी प्रकार से रायबरेली ऊंचाहार से अमेठी के एक स्पेशल रेलवे लाइन बननी थी, जिसका प्रोजेक्ट भी फंड के अवेलेबिलिटी में बता दिया गया कि नहीं होगा। भेदभाव की बातें यूं ही नहीं हो रही। सबसे बड़ा उदाहरण है रायबरेली का एम्स। ये उत्तर प्रदेश का एम्स है, पहला एम्स रायबरेली में। साल 2013 में सोनिया गांधी ने इसकी नींव रखी थी, तब से लेकर आज तक कई साल गुजर गए। साल 2018 से यहां पर मरीजों को भी देखने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब तक जो इसका मेन गेट है वो अपने बनने के इंतजार में है। आपको बता दें इसके कई ऐसे हिस्से हैं जो जंग खा चुके हैं, और यकीनन कम से कम ये तस्वीर जब हम देखते हैं तो गोरखपुर के एम्स की यादें जो पिछले एपिसोड में ही आपने देखी थी वो ताजा हो जाती हैं। गोरखपुर का एम्स जो चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके हर एक गेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, लेकिन साल 2013 में जिस एम्स की नींव रखी गई थी रायबरेली में, वो एम्स अपने बनने के इंतजार में है। अच्छा काम कौन कर रहा है रायबरेली के लिए? मैम कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस कर रही है जी, बिल्कुल। पर अभी जिस तरह प्रोग्रेस होना चाहिए उस तरह प्रोग्रेस बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। जैसे एम्स का कितना टाइम हो गया चालू हुए, पर अभी इनको कंटिन्यू में दौड़ना चाहिए था, पर अभी ये चल ही नहीं पा रही है तो दौड़ेगी कहाँ से? एम्स बन जाने से फायदा तो हुआ होगा रायबरेली के लोगों को। अभी क्या रायबरेली को फायदा हुआ? क्यों यहाँ आते हैं पेशेंट, पेशेंट आके यहाँ तड़पते हैं, तड़पते मरते हुए देखा हम लोगों ने। अच्छा, हाँ। तो यहाँ के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को यहाँ विकास बढ़ाना चाहिए। जो सांसद हैं, विधायक जी हैं, सब सो रहे हैं। जब वोटिंग की बारी आएगी तो फिर आएंगे, वो वोट मांगने आएंगे, दरवाजे दरवाजे जाएंगे। अभी उनको यहाँ का विकास नहीं दिख रहा। आप इधर कैमरा दिखा दीजिए, कितना कचरा लगा हुआ है। सब एम्स के ठीक बाहर है, कितना कचरा लगा हुआ, कितनी झाड़ियाँ हैं। रायबरेली की आम जनता है जिसका ये कहना है कि बाकी के स्थानीय सांसद या नेता सब सोए हुए हैं, लेकिन कम से कम सरकार की ये जिम्मेदारी है। अगर एम्स यहाँ पर बना हुआ है तो गोरखपुर के मुकाबले ये पीछे क्यों रह गया? इनका ये कहना है कि दरअसल इससे भेदभाव कर रही है सरकार। यहाँ पर सोनिया गांधी है सांसद, इस वजह से जो सहूलियत गोरखपुर को मिल रही है वही सहूलियत इस वक्त रायबरेली को नहीं मिल रही है। वीवीआईपी लोकसभा सीट मानी जाने वाली रायबरेली का आजादी की लड़ाई से भी गहरा रिश्ता रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मुंशीगंज रायबरेली का ये वो हिस्सा है जहां पर शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों की बर्बरता के खिलाफ किसानों ने जमकर बड़ा आंदोलन यहां पर किया था। उनके आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उन पर गोलियां बरसाई गई थी। तभी पंडित नेहरू को खत मिलता है, वो नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में रहते हैं और तत्काल पंडित नेहरू यहां पर पहुंचते हैं। एक युवा नेता के तौर पर उनकी ओर से किसानों का समर्थन किया गया, उनकी बातों को लेकर आगे बढ़ा गया, जिसके बाद किसानों के आंदोलन को और जनाधार मिला, वो व्यापक होता हुआ चला गया और फिर अंग्रेजों को बैकफुट पर आना पड़ा। और यहीं से एक युवा नेता से एक जननायक के तौर पर नेहरू का उभार हुआ। आजादी की जंग के इतिहास से जुड़ा मुंशीगंज विकास की दौड़ में बहुत आगे नहीं जा पाया है, ये बात यहाँ के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लिहाजा जेहन में विकल्प भी उभर रहे हैं। डेवलपमेंट हुआ है रायबरेली का? जी मैम, कम से कम यहाँ रायबरेली का देखा जाए तो हुआ, मगर बराबर मुंशीगंज का देखा जाए तो इस एरिया का तो इतना नहीं हुआ। 8-9 सालों से आप बता रहे हैं कि नहीं किया गया, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह हो सकता है मैम, यहाँ का जो भी मतलब हमारी जो सांसदीय क्षेत्र है, सांसद हो सकते हैं। योगी जी की सरकार आने के बाद कुछ किया गया है योगी सरकार की ओर से? नहीं, काम चल रहा है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं। अब ये जो सोनिया गांधी के टाइम में काम, उसके बाद से यहाँ पे मुंशीगंज में अभी तक कुछ अच्छे से काम नहीं हुआ।
कांग्रेस के राज में रायबरेली की किस्मत चमकी थी। कई प्रोजेक्ट रायबरेली आए, उनमें से एक था ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ युवाओं के लिए करियर के रास्ते खुलते हैं और वो भी बहुत कम फीस में। वेस्ट मटेरियल यानी कि रद्दी में जो सामान हटा दिए जाते हैं, उन सामानों को इकट्ठा करके अगर उसके सदुपयोग की कोई चीज बनानी हो तो वो तस्वीर आप आके यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या तैयार कर रहे हैं आप लोग? मैम यहाँ पे एक सिलाई मशीन को रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या बनना है आगे, क्या है प्लानिंग? मुझे डिजाइनिंग फील्ड में एक अपनी पहचान बनानी है। लाइक ऐसे बोलते हैं कि घर पे लाइक आई वॉज वेरी स्टूडियस, तो लगता था इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग करेंगे, बट मुझे स्टार्टिंग से ही डिजाइन में इंटरेस्ट था। आपको लग रहा है कि इसके जरिए मतलब स्टूडेंट का सपना होता है एक कामयाब करियर, तो इसके जरिए आप उसको हासिल कर पाएंगे? डेफिनेटली, अभी अगर हम लोग देखें तो आगे जाके हम लोग को सारी चीजें डिजाइन में मिल जाएगी। यूपी सरकार के अलग अलग क्षेत्रों के लिए आप लोगों ने डिजाइन किया है यहाँ से, उसके बारे में बताएंगे आप? यस मैम, हम लोगों ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए डिजाइन किया था। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद इंजीनियर्स के लिए जो है उनके लिए हमने यूनिफॉर्म डिजाइन किया था। उसके बाद हमने मेट्रो कर्मचारी जो रेल टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, देन लोको पायलट्स हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म डिजाइन किया था। रोजगार एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं ताकि उनको बेहतर साधन मिल पाए, तो उसके लिए क्या आप लोगों की प्लानिंग होती है? देखिए, ये बैचलर्स प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, इसमें बैचलर्स ऑफ डिजाइन का हम लोग डिग्री देते हैं। तो यहाँ पे चार स्पेशलिटीज हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक फैशन डिजाइन से रिलेटेड है, एक एक्सेसरी डिजाइन है, और लेदर डिजाइन है, और फैशन कम्युनिकेशन। विकास कार्यों के दावों और उनकी हकीकत के बीच हमने रायबरेली की आम जनता से जाना कि उनके दिल में आखिर क्या है। मोदी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों में कौन अच्छा लगता है? यहाँ सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी अच्छी लगती हैं। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? मोदी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी? मोदी जी अच्छे हैं। गैस दिए हैं? हाँ। अनाज सब चीज दिए। क्या क्या बताइए तो भाई, जानना चाह रहे हैं क्या दिए हैं? सीधा दिए, पानी दिए, राशन दिए। हाँ, गैस चूल्हा दिए। तो मोदी जी अच्छे हैं। हाँ। तो कौन अच्छा नेता लगता है आप लोगों को, कौन अच्छी पार्टी है? जो अच्छा नेता हमारा सबका चुनेगा, जो करेगा वही अच्छा। कौन अच्छा है? तो मोदी दे रहे। मोदी अच्छे हैं? अरे अब तो दे रहे, वही अच्छे हैं। तो क्या किए हैं मोदी जी? मोदी जी पेंशन दी थी खाली का की, पेंशन दिए हैं, पेंशन आ रहे पैसा। रायबरेली लोकसभा सीट यूं तो कांग्रेस का मजबूत किला है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ये किला दरक गया था। कांग्रेस ने दो सीटों पर जीत हासिल की, जबकि दो सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली। ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जीते थे। बुलेट रिपोर्टर की टीम जहां जहां गुजर रही है उसको चाहने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, रायबरेली के ऊंचाहार में रहती हैं। जरा यहां पर सियासी तापमान क्या कहता है इनसे समझते हैं। मैम किसका जोर चल रहा है, कौन सी पार्टी लग रही है क्या? देखिए मैं तो ऊंचाहार से हूं, तो हमारे ऊंचाहार में तो मनोज पांडे जी ही जीतेंगे। बाकी पार्टी सब अच्छी है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, मोदी जी तो बेस्ट है ही। गर्म गर्म घी में इमरती की ये टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन तो आपने देख ली, लेकिन रायबरेली की जो पॉलिटिक्स है वो भी इसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी है। आपको बताते चले, अदिति सिंह जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2017 का चुनाव लड़ी जीती, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अदिति सिंह, बीजेपी का बेड़ा पार लगाएंगी यहां से, जीत दिला पाएंगी? नेता पार्टी बदलता है, दूसरे दल में जाता है तो वह जनता से पूछने नहीं आता, ये बड़ी समाज की विडंबना है। हम तो कहते हैं कि इस तरह लोगों को जनता से पहले पूछना चाहिए, जनता से राय लेना चाहिए। उन्होंने धोखा कर दिया, धोखा कर दिया बिल्कुल निश्चित रूप से। धोखा किया अदिति सिंह ने, कोई जनादार ही नहीं तो धोखा क्या किया? रायबरेली में कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं है, गढ़ कहने को रह गया है, भारतीय जनता पार्टी में आई है। कांग्रेस के नेताओं को क्यों शामिल करा रही है बीजेपी? अगर बीजेपी, अगर कांग्रेस के नेता आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम किसी को मना तो कर नहीं सकते। उनकी आस्था है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कामों से संतुष्ट है, हमारी योजनाओं से। हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। अगर अदिति सिंह जी आई है उनका स्वागत है, अभिनंदन है।
और इससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी की लड़ाई किससे है फिर? बीजेपी की अपोजिशन में कोई किसी से नहीं, कोई लड़ाई में है ही नहीं। बीजेपी में शामिल हो गए अब तो? बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो यहाँ के लिए आपके लिए कौन अच्छा है? बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस, सपा, बसपा? बीजेपी, बीजेपी। सर आप बताइए कौन सा मुद्दा है यहाँ का? है बरेली में बंद 83 उद्योग जिसमें 50,000 से कर्मचारी काम करता था। इस जिले का बहुत बड़ा एक व्यवसायिक हब था। आज की तारीख में सारे उद्योग बंद हो चुके हैं। सारा उद्योग बंद करवा दिया बीजेपी वालों ने? चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने तो शुरू से पूरे रायबरेली को लूटा है, रायबरेली के साथ धोखा किया। ये कह रहे हैं लूटा है कांग्रेस। रायबरेली को जो भी दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। रायबरेली को चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे रेल कोच हो, चाहे एम्स हो, दिया है कांग्रेस ने, दिया है बीजेपी ने, यहाँ कुछ भी नहीं दिया। मेरा सांसद जीतने के बाद आज तक हमारे बीच में नहीं आया। दो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ रायबरेली में है और 10 साल सुपर सीएम रहने के बावजूद एक भी इंडस्ट्री नहीं चली, एक भी इंडस्ट्री नहीं चली। सोनिया गांधी जी अपना जीत का प्रमाण पत्र तक रायबरेली लेने नहीं आई है। रायबरेली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। रायबरेली अगर आज रायबरेली जानी जाती है तो केवल और केवल कांग्रेस की वजह से जानी जाती है। आज तक किसी भी तरीके का कोई विधायक या कोई भी सांसद रायबरेली में कांग्रेस के अलावा अभी तक हुआ नहीं। और आदित्य सिंह भारी बहुमत से भाजपा से जीतेंगे। कांग्रेस खाली इसको बबौती समझी है रायबरेली, पर लोटा है, घसोटा है कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया। तरफ कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के, तीसरी तरफ ये इमरती आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह की यहाँ की पॉलिटिक्स भी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स इस इमरती की तरफ रास किसको आती है ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। और यकीनन इस इमरती के जरिए मिठास घोलने की कोशिश में हर एक दल, लेकिन किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। लेकिन माहौल रायबरेली का चुनाव के ठीक पहले गर्म हो चला है। चलते हैं कुछ और हिस्सों में, करेंगे वहां की पड़ताल, लेकिन रायबरेली से बुलेट रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, रायबरेली।